किचन फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे बाहरी मूंग की दाल। इसके लिए जो सामग्री हम लोग को चाहिए, सबसे पहले तो आपको चाहिए मूंग दाल, उसके साथ आपको चाहिए घी, सरसों का तेल, आलू और गोभी ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए, बिल्कुल छोटे छोटे। जो हरी मटर आती है वो हरी मटर, नमक, जीरा, हल्दी पाउडर, दो तेज पत्ते, दो तीन सूखी लाल मिर्च और दो हरी मिर्चें, गरम मसाला। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई ले लें और मूंग दाल को कढ़ाई में डाल लें। हमको ये ड्राई रोस्ट करना है, इसमें कोई ऑयल या कुछ नहीं डालना है और अच्छे से मूंग दाल को भून लेना है। मूंग दाल को लगातार चलाते हुए भूने। दाल भुना गई है, इसी तरह आप भी इसको ऐसे ही भून लें। अब इसको उतार लें। अब उसी कढ़ाई में आप तेल डाल लें और देखिए तेल गर्म हो गया है। अब ये आलू और गोभी जो हम लोगों ने रखा था, इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो गया है, इसको बहुत ज्यादा ओवर कुक ना करें। ये ऐसे ही इतना ही कुक होने के बाद इसको निकाल लें। फ्राई हो गया है, इसको हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोग मटर को फ्राई कर लेंगे। मटर आपके फ्राई हो चुके हैं, अब इसको हम लोग निकाल लें। मटर हमने निकाल लिया है पूरा फ्राई करके। देखिए अब हम लोग कढ़ाई में जो मूंग दाल हम लोगों ने फ्राई करके रखा है वो डाल देंगे। साथ में हम लोग डाल देंगे पानी। मूंग दाल को पकने के लिए जितना पानी की आवश्यकता है आप उतना पानी डालें। साथ में आप डालें इसमें आवश्यकता अनुसार नमक, दो हरी मिर्चें टुकड़े करके डाल दें और इसको पकने के लिए छोड़ें। आप देख सकते हैं अच्छा सा उबाल आ गया है दाल में। और इसको निकाल के आप थोड़ा सा दबा के देख लें, हल्का सा नरम पड़ने लगा है। अब इसी स्टेज पे ही हम लोग ये गोभी और आलू जो हम लोगों ने फ्राई करके रखा हुआ था ये इस पर डाल देंगे और इसको मिला देंगे और फिर दाल को पूरा अच्छे से पक जाने तक का, और फिर इसको कवर लेट कवर कर दें और इसको पकने दें। अब देख सकते हैं ये अच्छा सा पक चुका है। अब इसमें हम लोग डालेंगे हल्दी और इसको फिर से एक उबाल आने देंगे। और साथ ही साथ हम लोग बाजू में एक और कढ़ाई बिठा लेंगे जिसमें तेल डाल लेंगे और जैसे तेल गर्म होगा हम लोग इस पे डाल लेंगे दो तेज पत्ते, तीन सूखी मिर्ची, और जीरा। अब देख सकते हैं जीरा लाल पड़ गया है, मतलब अब ये जो है इसको हम लोग डाल देंगे इस दाल में। और साथ ही साथ हम लोग डाल देंगे इसमें जो मटर हम लोगों ने भून के रखा हुआ था वो मटर, और इसको मिला लेंगे और इसको फिर एक उबाल और आने देंगे। दाल बन चुकी है तो अब इसमें हम लोग डाल देंगे एक चम्मच देसी घी का और चुटकी भर गरम मसाला और इसको मिला देंगे और इसको उतार के बनके तैयार है आपकी बाहरी मूंग की दाल। इसको बनाएं और खाएं और बताइए कैसे बना है। अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।
जो नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि आगे के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू।